ताले बजाओ सब लोग मिलके। एक भाई के लिए, उनका नाम है फेक आइकॉन ऑफ दिस कंट्री, मिस्टर साहिल खान। नाम लेके बात इसलिए करना पड़ा कि ये बंदा कभी सुधर नहीं सकता, ठीक है। गए 2 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, गए 2 साल से मेरे फॉल्ट ढूंढ रहा है, मेरे पीछे लोग लगाए हैं, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली कौन है क्या है, मेरी फैमिली को थ्रेटनिंग से लेके बहुत सारी चीजें। मतलब मेरे घर पे हम लोग 3 लोग ही रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी और मैं, सॉरी मैं, मम्मी और पापा, हम लोग 3 लोग ही रहते हैं। मेरा छोटा सा शॉप है, मुझे कोई दुनियादारी से कुछ भी पड़ा नहीं है, लेकिन ये बंदा मेरे लाइफ में 2 साल से मेरे पीछे पड़ा है, और पीछे पढ़ के ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहा है, मेरे लूपहोल ढूंढ रहा है कि मेरे बारे में कुछ करे। और उसने एक बंदे को पकड़ा जो मेरा 2019-18 में स्टूडेंट था, और उसके साथ में मैंने कुछ गलत नहीं किया, और उसका वीडियो मैं शाम को पूरा प्रॉपर डिटेल के साथ डालूंगा, उसका वीडियो आने वाला है। और ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि किसी की बात, एक सिंगल बात सुन के कौन गलत है कौन सही है ठहराने के पहले दोनों बाजू की, मतलब एक बाजू में आपको बंदा मालूम है जो मिस्टर साहिल खान है, फेक आइकॉन ऑफ दिस कंट्री, जो लोगों को फेक बना के, लोगों को, कितने सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। अब इसको मैं टैग करूंगा यहाँ पे, देख लेना, मेरे में इतना दम है, मेरे में इतना गुर्दा है ना कि उसको आज मैं टैग करूंगा यहाँ पे। और भाई ने बहुत लिमिट क्रॉस कर दिया आज, मतलब आज बहुत ज्यादा कर दिया है। और मैं यही बताऊंगा कि पूरा वीडियो, प्रॉपर वीडियो आएगा आज। मैं प्रॉपर अपने यूट्यूबर को बुला, अपना कैमरा मैन को बुला है, सारे लुफॉज लिख के रखे हैं मैंने, क्यों ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, कैसे हुई है और क्या हुआ है और कैसे हुआ है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये देख लो, ये मेरा नंबर वायरल हुआ है और इतने सारे मुझे सुबह से कॉल आ चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भाई लोग, मैं कल से घर पे नहीं गया हूँ, मैं घर पे इसलिए नहीं गया हूँ कि मेरे घर पे मेरी मम्मी है, ठीक है। ये देखो मैसेज, देखो मैसेजेस, ये देखो ये सब फेक मैसेजेस मेरे को आए हुए, सब OTPs मेरे को आए हुए, देखो सारे OTPs आए हुए, ये यू कैन सी गाइस, मतलब इतने मैसेजेस। तो मैं आप लोग को ये बता चाहता हूँ कि लोग बहुत समझदार हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब मैं उसका कोई कंपेटिटर नहीं हूँ, मैं कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक छोटा मोटा एथलीट हूँ। रहने की लाइफ स्टाइल मेरी बहुत नॉर्मल है, ना ही कभी उसकी तरह मैं कुछ दिखावा करता हूँ, ना ही उसकी तरह मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनता हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन इसको एक चीज़ बहुत चुभती है ऑलवेज और चुभती रहेगी, ये बात है कि एक मारे लड़का, एक मिडिल क्लास का लड़का, एक छोटी फैमिली का लड़का इतना ऊपर कैसे जा पा रहा है, यही बात पे वो सारी चीजें कर रहा है। और आई बिलीव कि गए 2 साल से उसको कोई भी चीज़ नहीं मिली, लेकिन ये चीज़ उसने ढूंढ के निकाली है और वो चीज़ कर रहा है, तो उसको कर रहे, तो उसको वेलकम है। और मैं शाम को फिर से बोला, मैं शाम को मैं अभी तो जिम ओपनिंग के जा रहा हूँ पूना, तो पूना के जितने भाई लोग हैं प्लीज़ वहाँ पे आइए ओपनिंग के लिए, सब लोग मिलिए वहाँ पे, मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और शाम को जब पूना से मैं आऊँगा तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर पूरा, एक डिटेल, एक एक डिटेल के साथ, अकाउंट नंबर से लेके एक्सपायरी प्रोडक्ट मैंने दिया है कि नहीं दिया है, उसके बाद मेरे से लिया है कि नहीं लिया है, उसके उसने खुद के लिए मंगाया कि नहीं मंगाया है, अगर कोई पेप्टाइड, अगर वो बोल रहा है पेप्टाइड लेने से अगर उसको पिंपल आते हैं, तो कोई भी ऐसा एक बॉडी बिल्डर उठा दो, कोई भी डॉक्टर उठा दो कि वो बोल दे कि पेप्टाइड लेने से कभी पिंपल आते हैं। और ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बंदे को यहाँ पे मुंबई बुलाया गया, एक 5-स्टार होटल में उसने उसको स्टे दिया गया है, उसको ऊपर जो बंदा बोल रहा है कि मेरे पास बाइक बेच के मेरे लिए है, और एक मथुरा साइड का लड़का, यूपी साइड का लड़का मुंबई में आता है, 7 दिन स्टे करता है 5-स्टार होटल में, बड़े बड़े लोगों के साथ में खाना खाता है, उसके बाद उसको पूरा कैमरामैन दिया जाता है और DSLR कैमरा, उसके बाद जूम आउट जूम इन करके उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। तो सोचने वाली बात है, आप सोचो, आप बहुत समझदार हो, मुझे लगता है कि जनता की पावर ही सबसे समझदार होती है। मुझे पता है आप वीडियो देखने के बाद सबको गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आता अगर मैं अपनी साइड नहीं चलता, लेकिन सोचो और मेरा वेट करो, वेट फॉर माय टर्न। थैंक यू, चीयर्स, जय हिंद।